हेलो एंड वेलकम बैक टू द एक्विफर। तो दोस्तों, ऑलरेडी मैं बहुत सारे टॉपिक्स ला चुका हूँ सम फिल्टर के ऊपर। सम फिल्टर की स्टेजेस क्या होती हैं, कौन कौन से फिल्ट्रेशन की स्टेजेस होती हैं सम फिल्टर में, कैसे सम फिल्टर वर्क करता है, सम फिल्टर की प्लम्बिंग कैसे होती है, आप सम फिल्टर को बिना ओवरफ्लो वॉक से कैसे यूज़ कर सकते हैं, और सम फिल्टर और फिल्टरों के कंपैरिजन में कैसा फिल्टर है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और बहुत ज़्यादा चीप फिल्टर मीडिया आप अपने सम फिल्टर के लिए कैसे ले सकते हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल और मैकेनिकल, तो उन सब की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अगर आपको वाली वीडियोस देखनी है तो मैं आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कि आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, इतने सारे सम फिल्टर के टॉपिक्स कवर करे हैं, लेकिन अभी तक DIY सम फिल्टर बना के नहीं दिखाया, तो ये वही वाली वीडियो होने वाली है। इस वाली वीडियो में मैं आपको एक सम फिल्टर बना के दिखाऊंगा कैसे अपने घर पे इजीली अपने पुराने एक्वेरियम्स को सम फिल्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो फिर कोई नया एक्वेरियम बना के उसको भी सम फिल्टर बना सकते हैं, तो उसी के ऊपर होने वाली है वीडियो। तो फ्रेंड्स, और जो आगे आने वाली है इस वाली सीरीज़ की वीडियो सम फिल्टर के ऊपर, तो इसमें मैं इसकी प्लम्बिंग करके दिखाऊंगा आपको। मेरा जो 6 फीट वाला एक्वेरियम है जिसमें मेरे पहले एरो रहती थी, इसमें एरवाना थी मेरी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। अभी उसमें जाइंट गुरामी, पाकू एंड ऑस्कर वगैरह हैं और ग्रीन टेरर, तो उसमें मैं वाला सम फिल्टर लगाने वाला हूँ, तो उसकी वो पूरी प्लम्बिंग दिखाऊंगा आपको। आपको ये भी दिखाऊंगा आगे वाली वीडियोज़ में कैसे आप सेम लेवल पे एक्वेरियम और सम फिल्टर को रन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी ओवरफ्लो कंट्रोल वाल्व वगैरह के, जो कि मैंने अपने पहले ऑस्कर वाले एक्वेरियम में यूज़ किया था ओवरफ्लो कंट्रोल वाल्व, जिससे कि पानी नीचे जाता था और एक लेवल पे आके पानी रुक जाता था जब भी लाइट वगैरह जाती थी या पावर हेड बंद होता था। तो इस वाले में वो सब कुछ नहीं लगाने वाले, बिना उसकी चीज़ें बंद होंगी और रन करेगा पूरा अच्छी तरीके से, तो वो आगे वाले आने वाली वीडियोस में होगा। और आपको ये भी दिखाऊंगा कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं उसमें, स्टेजेस में मैं क्या क्या रखूंगा उसमें, क्या क्या लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा, उसको पूरा सेट करके रन करके दिखाऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। तो उसको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप नए हैं चैनल पर, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो, तब भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एक्वेरियम से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एक्वेरिस्ट वेल के थ्रू मिले सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाली वीडियो सम फिल्टर को बिल्ड करना, आपको दिखाते हैं आप क्या क्या यूज़ आएगा इसको अपन को बिल्ड करने के लिए। तो सबसे पहले मेजरिंग टेप की मदद से मेजर कर लेंगे सारी पार्टीशन के डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंस पे अपन को पार्टीशन रखने, कितने बड़े बड़े पार्टीशन बनाने हैं। और जो ग्लास अपन यूज़ करते हैं इस पार्टीशन को क्रिएट करने के लिए, उसे बैफल्स बोला जाता है, जो भी सम फिल्टर में अपन पार्टीशन यूज़ करते हैं ग्लास के। और इसमें सबसे बड़ा जो पार्टीशन रखना चाहिए अपन को, वो दो जो बायोलॉजिकल मीडिया के पार्टीशन होते हैं उनको सबसे ज़्यादा बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन कर पाएँ जिससे कि अपने एक्वेरियम में, और आगे जाके अगर और फिशेज ऐड करें तो उसमें बायोलोड वगैरह बढ़ा पाएँ, और जिसके थ्रू अच्छे से साइकिलिंग चलेगी पूरे एक्वेरियम की। और सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा पार्टीशन रखना चाहिए, वो रखना चाहिए जो कि अपना रिटर्न पंप होता है। तो सम फिल्टर को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है एक एक्वेरियम और फिर ये बैफल्स की, इनको बैफल्स बोलते हैं, इनको एज अपन ग्लास पार्टीशन भी बोल सकते हैं, लेकिन जो सम फिल्टर की लैंग्वेज में तो इनको बैफल्स बोला जाता है। तो इसको मैं भी रख के देख रहा हूँ कि कैसे कहाँ पर कौन सा आएगा। मैंने पहले मेजर करके वहाँ पर पेन के थ्रू मार्क लगा चुका हूँ परमानेंट मार्कर के थ्रू, तो वहीं पर इनको पेस्ट करेंगे। अब ये जो दो कैप्स हैं बोतल के, इनको मैं यूज़ करूँगा नीचे थोड़ा सा गैप बनाने के लिए बैफिल्स के, जो भी पार्टीशन लगाएंगे अपन तो उसमें अपन को दो पार्टीशन के नीचे गैप देना पड़ेगा, जिससे कि अपना वाटर पूरा पहले ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर वाली जो साइकिल होती है पूरे सम फिल्टर की वो चलेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पेस्ट करना। तो कुछ इस तरीके से अपन को पेस्ट करना होगा, पहले ग्लास रख लें, फिर उसके अगल बगल सिलिकॉन लगाएं, पहले पूरे चारों साइड सिलिकॉन लगा लें उसके, फिर अपने फिंगर का यूज़ करके वो सिलिकॉन को पूरा अच्छे से स्प्रेड कर दें उस पर, ताकि जो बैफल्स और जो ग्लास है अपने एक्वेरियम का, उन दोनों के बीच में जो गैप रहता है उसके अंदर जाके वो फिल हो जाए, वो एकदम वाटर सील हो जाए। कुछ इस तरीके से आपको फिंगर के थ्रू करना होगा। वाला जो सेक्शन तैयार हुआ है ये लास्ट सेक्शन है जिसमें अपना पावर हेड आएगा, रिटर्न पावर हेड। तो अब और लगा लेते हैं। अब जो ये वाला एक पार्टीशन बन रहा है, ये सबसे ज़्यादा छोटा पार्टीशन होता है पूरे सम में, यहाँ पर ये लास्ट स्टेज होती है वाटर को साइकिल होने की सम में, तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट वगैरह रहता है वो नीचे जाके बैठ जाता है। और यहाँ पर अपन एडिशनल पे सेरेमिक रिंग्स वगैरह डाल सकते हैं,
केमिकल फिल्ट्रेशन वगैरह रख सकते हैं, और हीटर वगैरह भी इसी सेक्शन में लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे मैंने कैप का यूज़ करके उसको नीचे गैप दिया है ताकि वाटर ईजिली फ्लो हो जाए उसके ऊपर से, और सिलिकॉन के थ्रू उसको पेस्ट कर रहा हूँ। फिर सिलिकॉन अपन को चारों साइड लगा लेनी है, फिर फिंगर के थ्रू उसमें अंदर करना है पूरी सिलिकॉन को ताकि एकदम वाटर सील। हमारे सारे पार्टीशन लग चुके हैं, तो अब इसको छोड़ देते हैं ड्राई होने के लिए। तो सबसे पहले वाटर जो है वो इस सेक्शन में आएगा, फिर सेकंड सेक्शन में जाके, फिर सेकंड से थर्ड सेक्शन में जाएगा कुछ इस तरीके से, फिर फोर्थ सेक्शन से होते हुए अपने लास्ट चैम्बर में जहाँ पर रिटर्न पाइप होगा वहाँ पर जाएगा, वहाँ से रिटर्न होगा सीधे एक्वेरियम में। और ये एक साइड का मैंने पहले से फिल कर लिया था, आप देख सकते हैं दोनों साइड में फिल कर रहा हूँ वाटर, और वाटर बिल्कुल भी लीक होके बीच में नहीं आया, तो एकदम लीक प्रूफ है। तो यही थी आज की वीडियो, पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और बेल आइकन दबा देना ताकि सबसे पहले एक्वेरियम्स रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको एक्वेरियम्स वेल के थ्रू मिले। तो दोस्तों उसके जो आगे आने वाली वीडियोस हैं इसी सम फिल्टर के ऊपर, उसमें मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, उसको सेट करूंगा, उसमें पूरे मीडियाज वगैरह डालूंगा, मैकेनिकल बायोलॉजिकल केमिकल, तो वो सब दिखाऊंगा कैसे क्या ऐसे डालना होता है, और उसको सेम लेवल पे आप कैसे अपने एक्वेरियम को रन कर सकते हैं, ये मैं अपने 6 फीट वाले में लगाने वाला हूं, तो उसको कैसे रन कर सकते हैं सेम लेवल पे बिना किसी ओवरफ्लो कंट्रोल वाल्व, बिना ही किसी ओवरफ्लो सिस्टम के, बिना ही किसी ओवरफ्लो बॉक्स या हैंग ऑन बॉक्स या एक्सटर्नल ओवरफ्लो बॉक्स, तो वो सब कुछ भी यूज नहीं करने वाले, सिर्फ एक होल करेंगे, तो वो होल कैसे और कहाँ पे कैसा होगा तो वो सब उस वाली वीडियो में होने वाला है। तो उसके लिए स्टे अपडेट रहना, स्टे ट्यून्ड रहना चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।